नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लंदन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, सरसों की नई फसल आने के बाद अब सोयाबीन की कीमतों में ज़्यादा तेज़ी के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। इस माह की शुरुआत में सोयाबीन की कीमतों में 200 रुपये की तेज़ी आई थी, लेकिन अब बीते कुछ दिनों से इसके दाम 100 रुपये क्विंटल तक गिर चुके हैं। चालू तेल वर्ष में सोयाबीन की आवक और पेराई में पिछले तेल वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कारोबारी सूत्रों के अनुसार कोटा मंडी में आज करीब 150 बोरी नई सरसों की आवक शुरू हुई है, जो ऊपर में 5300 रुपये क्विंटल तक बिकी है। विदेशों में सोयाबीन फसल को इस बार ज़्यादा नुकसान बताया जा रहा था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में सोयाबीन और इसके तेल के दाम बढ़ने से घरेलू बाज़ार में भी सोयाबीन की कीमतों में तेज़ी आई थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ब्राज़ील और अमेरिका में नुकसान पहले से कम होने की खबरें आ रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में सोयाबीन की कीमतें गिरती नज़र आ रही हैं। घरेलू बाज़ार में सोयाबीन की भरपूर आवक हो रही है। ऐसे में देश में भी सोयाबीन के दाम बीते कुछ दिनों के दौरान 100 रुपये क्विंटल से ज़्यादा गिर चुके हैं। इंदौर मंडी में इस समय सोयाबीन के दाम 5650 रुपये प्रति क्विंटल हैं। मध्य प्रदेश के सोयाबीन कारोबारी राजेश पालीवाल कहते हैं कि अगले कुछ महीनों में सरसों की नई आवक शुरू होने की संभावना है। ऐसे में आगे सोयाबीन की कीमतों में तेजी के आसार बहुत कम हैं। फिलहाल भाव सोयाबीन के 5400 से 5600 रुपये के दायरे में बने रहने की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष यानी अक्टूबर से नवंबर में सोयाबीन की आवक और पेराई में भी इजाफा हुआ है। सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सोपा से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार तेल वर्ष 2022-23 की अक्टूबर दिसंबर अवधि में 50 लाख टन सोयाबीन की आवक हो चुकी है, जबकि पिछले तेल की समान अवधि में यह आंकड़ा 40 लाख टन था। इस तरह चालू तेल वर्ष में सोयाबीन की आवक में 25% का इजाफा हुआ है। इस आवक के बाद कारोबारी किसान और सोयाबीन प्लांटों के पास करीब 98 लाख टन सोयाबीन का स्टॉक बचा हुआ है। इस तेल वर्ष के लिए पुराने स्टॉक को मिलाकर सोयाबीन की कुल उपलब्धता करीब 147 लाख टन रहने का अनुमान है। सोयाबीन की पिराई इस बार ज़्यादा पैदावार व उपलब्धता के कारण खूब हुई है। सोपा के अनुसार चालू वित्त तेल वर्ष 3 महीनों के दौरान 32.50 लाख टन सोयाबीन की पेराई हो चुकी है। पिछले तेल वर्ष की समान अवधि में 21.50 लाख टन सोयाबीन की पेराई हुई थी। इस तेल वर्ष में दिसंबर तक पेराई में करीब 51% की वृद्धि हो चुकी है। चालू तेल वर्ष में पेराई के लिए सोयाबीन उपलब्धता 100 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले तेल वर्ष की उपलब्धता जहां 84 लाख टन से ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये थी सोयाबीन की रिपोर्ट। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।